हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल गुमी किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, और आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। जहां पर सई को बहुत बुरा लग रहा होता है कि विराट ने अपना ट्रांसफर करवा लिया, तो वो बुरी तरह से रोती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर विराट भी काफी परेशान होता है सई को लेकर, उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। और वो सनी को जाकर सनी को कॉल करके बताता है कि उसका ट्रांसफर हो गया है और वो सही से और अब बहुत दूर हो जाएगा और अपनी काम इतना बिजी हो जाएगा कि उसे किसी पर्सनल रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो सनी को बहुत बुरा लग रहा होता है कि सही से वो दूर हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ सम्राट आई के पास जाता है अपनी के, और उनके सामने रोते नजर आता है कि उसे माफ़ कर दे। और अब वो जिद करती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, लेकिन वो कहता है कि इस एज में आपका वहाँ रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो सही ये सब कुछ देखती है और सही उनसे आकर बात करती है। और वो सही को आई के मानसी कहती है कि नहीं देखो, तुम्हारा दिल कितना साफ है ना, तुम सबके लिए सोच रहे हो, लेकिन आने वाला वक्त तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा इसके बारे में तुमको पता ही नहीं है। और कुछ देर बाद सम्राट तो जाता है पत्रलेखा के पास और सही जाती है विराट के पास, जहाँ पर वो सनी से बात कर रहा होता है और वो कॉल रख देता है। तभी यहाँ पर विराट सो जाता है बेड पर और सही कहती है कि मैं यहाँ नहीं सोने वाली, मैं तो कहीं जा रही हूँ बाहर। तो वो कहता है कि जहाँ तुम्हें जो खर्चना है ना करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अब इतने बड़े घर में इतना कुछ और बड़े बड़े तमाशे हो जाए, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। और विराट कहता है हाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो सही कहती है हाँ, जैसे आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपका ट्रांसफर हो गया। तो दूसरी पत्रलेखा को सम्राट बिताने देता और कहता है कि ये सब कुछ सब जैसा मैं छोड़ के कहता वैसा ही क्यों है कमरे में, और ये मंसुआ की निशानी संभाल के क्यों रखी है जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। और पत्रलेखा उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने तो बस ओपिनियन बना लिया ना उस रात, जो भी कुछ समझ जो भी सुना उसके अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन बनाया, एक बार मुझसे पूछने की जरूरत पड़ी कि तुम यहाँ किससे क्यों जा रहे हो। और उसके बाद सम्राट कहता है तुम क्या चाहती थी मैं रुकूं, तुम इसीलिए तो यहाँ इस घर में रुकी हुई हो क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। पत्रलेखा काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो कहती है कि मैं को वैसे भी तुमने फैसला तो अपना सुना ही दिया है, और अब मैं तुम्हारे सामने कोई भीख नहीं मांगने वाली हूँ कि तुम मुझे तलाक मत दो, ये मत करो, तुम्हें जो सही लगे ना वो करो। इस तलाक के बाद में तो वैसे भी मेरे सारे रिश्ते इस घर से टूट ही जाएंगे। तो वो कहता है हाँ, सिर्फ इस सिवाय एक इंसान के, और वो कहती है कि हाँ तो उससे मेरा क्यों रिश्ता टूटेगा, मैंने कब कहा मैं उससे रिश्ता तोड़ दूँगी। और पत्रलेखा जाकर विराट से बात करती है अपने प्यार के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ पर सही दिखाया जाता है कि सही अब विराट उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसकी काफ़ी केयर करती है और उसके फेवरेट पर किस भी करती है। और विराट को ये बुरा लगता है क्योंकि अब उसके दिल में जब कुछ है ही नहीं तो उसकी केयर क्यों कर रही है। वहीं पत्रलेखा विराट से जाकर अपने रिश्ते के लिए बात करना चाहती है, तो विराट से मना कर देता है और कहता है कि पत्रलेखा तुम सम्राट के साथ ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। लेकिन इन दोनों को साथ देखकर सई को बहुत बुरा लगने वाला है और वो घर छोड़ने का फैसला कर लेगी, और इस बात पर इन दोनों का झगड़ा भी काफ़ी होने वाला है।